गेमिंग लैपटॉप्स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बजट होता है 40,000 से 50,000 वाला, और इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास आया हुआ है Asus का F570 और गेमिंग लैपटॉप है ये। काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा था इसको और अभी लगता है मुझे कि ये राइट टाइम है फुल रिव्यू का। सो हे गाइस, माय नेम इज शाकिब, आप देख रहे हो techwood.com और ये है Asus 570 की एक फुल रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी कुछ मैंने बात की थी उस वीडियो में भी, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे फुल रिव्यू के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से और डिज़ाइन से। तो 15.6 इंच का आपको 16Hz फ्रेम रेट वाला आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आपको 45% NTSC पैनल के ऊपर बना हुआ है। वैसे तो मेरे को लगता है कि NTSC पैनल बहुत कमाल का नहीं होता है, और इस लैपटॉप ने वो चीज़ प्रूफ कर दी है। और बात करें अगर वेट की इसके, तो 1.9 kg का वेट है, काफ़ी पोर्टेबल लैपटॉप है ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब ट्रैवल के टाइम में कभी कोई परेशानी नहीं आती। अगर बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की और विंग एंगल्स की, तो काफ़ी ज़्यादा पुअर लगा मुझे। पुअर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि डिस्प्ले इसका सबसे बड़ा कॉन है ये। वैसे तो ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले पैनल है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रास्ट रेट जो है इसका वो बहुत कम है, और कॉन्ट्रास्ट मतलब कि आपको नेग्लिजिबल ही है। इसका जो डिस्प्ले में आपको ब्लैक और वाइट कलर है वो बहुत अच्छा और प्रेजेंट नहीं दिखता है। सो ये मुझे लगता है कि डिस्प्ले का काफ़ी बड़ा कॉन है और कॉस्ट कटिंग की गई है। और बात करें अगर इसमें आपको sRGB कलर्स की, तो 58% है, जो कि गाइस कम नहीं होता है। अगर आप बजट कैटेगरी के लैपटॉप के हिसाब से देखोगे तो कम नहीं होता है 58% का sRGB, लेकिन फिर भी गाइस मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी इसमें। और लैपटॉप का कौन है एक डिस्प्ले की क्वालिटी, वैसे आपको फ्रेम रेट 60Hz से काफ़ी अच्छा है और गेमिंग में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, उसके बारे में आगे बात करने वाले हम लोग। और गाइस अगर बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की, तो आपको फुल बॉडी जो है प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर जो मेटालिक फिनिश है, मेटालिक ब्रश्ड फिनिश कह सकते हो तुम इसको, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रीमियम बनाता है इस लैपटॉप को, और देखने में भी नहीं लगता है कि प्लास्टिक की बनी हुई है। सो गाइस अगर बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो डेली लाइफ यूजर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर कर सकते हो तुम इसको, लेकिन गाइस इसका एक प्रॉब्लम है, वो है इसका डिस्प्ले लीड थोड़ा सा आपको अनस्टेबल और शेकी लगता है। जब अगर आप कंसिडर करते हो तुम दूसरे लैपटॉप के हिसाब से, हल्का सा आप देख रहे हो वीडियो में वो हल्का सा हिलता ज़्यादा ही जाता है, जिसका वजह से ट्रैवल के टाइम आपको लैपटॉप यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली हम लोग की इंडियन रोड्स के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन गाइस ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल के वक्त होता है, गेमिंग करते वक्त नहीं होता है, और ऑफिस में भी काम करते वक्त नहीं होता है, मतलब कि घर में आराम से भी काम कर सकते तुम टेबल के ऊपर, सो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बात करते हैं गाइस कीबोर्ड की इसके, तो कीबोर्ड इसका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सेटअप है कीबोर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक्सेप्ट दैट इंटर बटन थोड़ा छोटा लगा मुझे, लेकिन हाँ बाकी सारा सेटअप इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बैक लाइट भी काफ़ी अच्छा है, जिसके आपको ब्राइटनेस कस्टमाइज़ कर सकते हो तुम, और कीबोर्ड की जो सॉफ्ट प्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगा। और माउस पैड की अगर बात करें, तो माउस पैड का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा सही है, और इसका जो क्लिकी फीडबैक है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो माउस पैड और कीबोर्ड के जो आपको कॉम्बिनेशन वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, और इस लैपटॉप की जो प्रोडक्टिविटी काम है वो बहुत ज़्यादा कंसिडर कर सकते हो तुम इसको, और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ है। और आपका जो माउस पैड है आपको विंडोज 10 के सारे जेस्टर भी सपोर्ट करता है, तो सबसे अच्छी चीज़ है। और गाइस अगर बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, तो आपको यहाँ पे सोनिक मास्टर का डुअल स्पीकर मिल जाता है लैपटॉप में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल जाता है, लेकिन इसका जो साउंड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि डिसेंट है और एवरेज कह सकते हो तुम इसको। आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस मिल जाता है, और ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको सेटिस्फाइंग लगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा होती ज़्यादा तेज़ हो जाता तो मज़ा आ जाता। और गाइस अगर बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, गेमिंग लैपटॉप है ये, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके डेली लाइफ सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कि आपको गूगल क्रोम, ओपेरा, VLC मीडिया प्लेयर, MS ऑफिस, जैसे कि हम लोग जो भी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं और बड़े आराम से चल जाते हैं, बड़े आराम से, जिससे इसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और गाइस अगर बात करते हैं इसके प्रोडक्टिव वर्क की, जैसे कि आपको फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो इन सब चीज़ में जो सॉफ्टवेयर जो चलता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, मतलब कि वर्क आराम से हो जाता है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम आती है इसके ओपनिंग टाइम में, जो कि आपको 3 से 4 मिनट लग जाता है कभी कभी, तो बजट लैपटॉप के हिसाब से ये जो चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल है और इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि स्लो लोड टाइम का प्रॉब्लम यहाँ पे है इसके हार्ड ड्राइव में। इसमें आपको जो तोशिबा का 1TB वाला सेट है, 3 वाला जो हार्ड ड्राइव मिल जाता है, ये आपको पुअर परफॉर्मेंस वाला हार्ड ड्राइव है और मुझे लिटरली अच्छा नहीं लगा, मतलब कि यहाँ पे अगर कॉस्ट कटिंग नहीं होती कोई, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम हो जाता, लेकिन फिर भी गाइस ये एक
प्रॉब्लम मुझे लगी जो मैं आपको यहाँ पे कंसिडर कर दिया। और वैसे आपको Asus F70 में 8GB की रैम मिल जाती है और Ryzen 5 का प्रोसेसर है और NVIDIA GTX का आपको 1050 वाला ग्राफिक कार्ड है, जो कि तीनों मिले जो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आने वाली है। लेकिन यहाँ पे हार्ड ड्राइव में थोड़ा सा कौन था। और गाइस अगर बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो मैं बहुत ज़्यादा गेम तो नहीं खेलता हूँ, लेकिन मैंने दो गेम जरूर ट्राई किया है इसमें। आपको पहला ट्राई किया है फॉर्टनाइट और दूसरा ट्राई किया है बैटलफील्ड 5। सो गाइस बैटलफील्ड 5 की बात करेंगे बाद में, पहले बात करते हैं फॉर्टनाइट की। सो गाइस Asus F70 ने फॉर्टनाइट को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलाया, बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया और कोई भी शटर लैग या फील नहीं हुआ मुझे। मुझे लैग तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ फॉर्टनाइट खेलते हुए। फॉर्टनाइट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें आपको एपिक गेम्स की तरफ से आता है। और गाइस अगर बात करते हैं दूसरे गेम की बैटलफील्ड 5 की, तो गाइस इसमें आपको प्रॉब्लम आई है मुझे सेटिंग्स। आपको सबसे पहले तो सबसे लो करना पड़ेगा, तब जाके गेम चलेगा। वैसे आपको HD ग्राफिक्स पे खेलोगे अगर तुम, थोड़ा सा लैग मिलेगा और फ्रेम ड्रॉप आपको बार बार मिलते रहेंगे, जिससे आप गेमिंग स्मूथ नहीं चलेगी। लेकिन लो सेटिंग्स पे खेलने पे गेमिंग बिल्कुल स्मूथ है और गाइस लो सेटिंग्स पे बहुत कम फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं, बिल्कुल नेगलिजिबल है। सो मैं ये कहूँगा कि आपको 60Hz का जो रिफ्रेश रेट है बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। सो ऑफ कोर्स गाइस आपको गेमिंग परफॉर्मेंस F570 की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि आपको एक गेमिंग लैपटॉप है और Asus ने इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया है। और गाइस अगर बात करते हैं इसके हीटिंग इशू की, तो आपको 15W का सिंगल आपको यहाँ पे फैन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। और हीटिंग जो इशू है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से नीचे कभी नहीं गई है, मतलब कि ज़्यादा हीट नहीं हुआ है और 15W का जो फैन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। सो हीटिंग इशू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और गाइस अगर बात करते हैं इसमें बैटरी की, तो बैटरी आपको हर एक गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से एवरेज कहलाएगी यहाँ पे। गाइस नॉर्मल यूजर्स पे आपको आराम से 4 घंटे 4.5 घंटे निकाल देता है। और आपको स्क्रीन ब्राइटनेस मैंने रखी थी 60% या 50% अप्रॉक्स, तो इस बीच में रखा था मैंने और 4 घंटे बिल्कुल आराम से चल गया था लैपटॉप। सो उसमें कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन गाइस अगर बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, ब्राइटनेस आपको वहीं 50-60 पे ही थी। सो गेमिंग परफॉर्मेंस के वक्त आपको 1 घंटा 15 मिनट चला था बिल्कुल। सो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा कम लगा। सो उसके हिसाब से अगर बात करते हैं बैटरी फुल चार्ज में, तो तकरीबन से डायरेक्ट बिल्कुल 2 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे या फिर आपको 1 घंटा 45 मिनट के अराउंड लग जाता है। और अगर आप काम वाम कर रहे हो नॉर्मल यूजेस पे, तो 3 घंटे 3.5 घंटे लगेंगे बैटरी को फुल चार्ज होने में। सो गाइस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इसकी कीबोर्ड, उसके बाद लगा गेमिंग परफॉर्मेंस और उसके बाद लगा इसका मेटालिक प्रीमियम डिज़ाइन। और गाइस अगर बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो सबसे बड़ा कॉन है इसका डिस्प्ले, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपको डिस्प्ले लवर हो तो। और गाइस दूसरा कॉन है इसका पुअर परफॉर्मेंस वाला हार्ड ड्राइव। सो गाइस आई थिंक मैंने आपको हर चीज़ बता दी इस वीडियो में इस लैपटॉप के बारे में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन है अगर एक्स्ट्रा, तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। और हाँ गाइस, इसमें आपको SSD नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, और मिलते हैं आप नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब कर दो।